शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं आनंद पांडे स्वागत करता हूं कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगा पोजेस फॉर पीकेडी पेशेंट। वैसे पीकेडी यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिक बीमारी है जो कि आपके पेरेंट्स में से आपको आती है। इसमें आपकी किडनी में बलून्स के साइज के सिस्ट बन जाते हैं। इनके नंबर्स थाउजेंड्स में होते हैं जिनको खत्म कर पाना बेहद मुश्किल होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में किडनी रिलेटेड पेशेंट ज्यादा हैं और इसका रीजन है इनसफिशियंट न्यूट्रिशन, स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च में पाया गया है कि पीकेडी पेशेंट किडनी डिजीज से हर साल 1 लाख लोगों की जान चली जाती है। पीकेडी पेशेंट्स के मरीजों के लिए योगा बहुत जरूरी होता है, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि योगा क्या होता है। योगा एक एंशिएंट सिस्टम है जिसमें आसन, मेडिटेशन और आयुर्वेदा के जरिए हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाता है और इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकालने का होता है। इससे बॉडी में लिक्विड को बैलेंस करने का काम भी करना होता है। अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो योगा आपके लिए एक बेहतर इलाज हो सकता है। योगा किडनी को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। अगर आप पीकेडी के मरीज हैं तो आपको कुछ इजी योगा पोजेज करने चाहिए। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ आसन बताएंगे। पहला है भुजंगासन। इस आसन को कोबरा आसन भी कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने हाथों से अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। इसमें आपके चेस्ट का वेट आपके हाथों पर ही होता है। यह किडनी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इससे आप स्ट्रेस से भी बचते हैं। दूसरा है पश्चिमोत्तना आसन। इसमें आप अपने आप को सीधा रखें और लेग्स को सीधा सामने की तरफ फैला लें। फिर हाथों को अपने हेड से ऊपर से लेते हुए अपने पैरों को टच करने की कोशिश करें। फिर अपने हेड को नीचे की तरफ ले जाकर घुटनों से टच करवाएं। इससे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के मरीजों की किडनी हेल्दी बनी रहती है। तीसरा है सेतु बंधासन। पहले आप सीधा लेट जाएं और उसके बाद अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, जिससे आपकी बॉडी का वेट आपके हाथों की कोहनी पर आ जाएगा। इस आसन से आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। चौथा है नौकासन। इस आसन में आप सीधा लेट जाएं, फिर उसके बाद हवा में आप अपने लेग्स को उठाएं और अपने हैंड्स को ऊपर उठाकर अपने लेग को टच करने की कोशिश करें। यह आपकी किडनी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, जिससे आप पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बीमारी से बच सकते हैं। पांचवा है सालंब भुजंगासन। यह आसन लेट कर किया जाता है, जिसमें आपको अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठानी होती है। यह आसन पेट के अंगों को फैलाता है। लास्ट है अर्धमत्स्यचंद्रासन। इसमें आप दोनों लेग्स को सीधा कर ले, फिर उसके बाद राइट लेग को मोड़ ले और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से ले जाए। इसके बाद लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखें और राइट हैंड को अपने पीछे की तरफ ले जाएं। इस पोजीशन में आपके लीवर और किडनी हेल्दी बने रहते हैं। तो दोस्तों, यह था पीकेडी पेशेंट्स के लिए योगा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप या आपका अपना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल व केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं
और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205, 0114264274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।